दोस्तों, अगर आप अंडर 30,000 रुपये के प्राइस में एडवांस फीचर्स का एक बेस्ट स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 इस टाइम के सबसे बेस्ट और पावरफुल फ़ोन के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें आपको फ्लैगशिप लेवल के फीचर्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों, फ्लैगशिप लेवल के फ़ोन में आपको हर एक फीचर्स बहुत ही एडवांस देखने को मिलते हैं। अगर आपको कोई भी पावरफुल गेमिंग करनी है तो उसके लिए यहाँ पर आपको बहुत ही कमाल का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, बहुत ही तगड़ा प्रोसेसर। इसके साथ आपकी जो फ़ोन की परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी इन्हेंस होगी। और यहाँ पर कैमरे की बात की जाए तो कैमरा तो कमाल का आपको देखने को मिलेगा ही, साथ ही जो कैमरे के बहुत सारे फीचर्स होते हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अच्छा डिस्प्ले, अच्छा बैटरी बैकअप और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। और सारे के सारे फ़ोन बहुत ही अच्छे डिज़ाइन के साथ आते हैं। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिजीत और आप देख रहे हैं टेक्निकल स्किल। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम नंबर 5 से और धीरे धीरे करके हम नंबर 1 तक जाएंगे। और इन सारे फ़ोन की जो रैंकिंग है 5 to 1, वो इनके परफॉर्मेंस वाइज है। तो दोस्तों, नंबर 5 पर है वीवो का वीवो V21 5G। और ये फ़ोन हाल ही में लॉन्च हुआ है और कैमरे के मामले में ये फ़ोन काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ आता है। इसके साथ इस फोन में आपको मिलेगा बहुत ही कमाल का स्लिम टाइप का डिजाइन। इसके साथ यहाँ पर आपको मिलेगा ऑन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और साथ ही ये फ़ोन एंड्रॉयड 11 के साथ आता है। तो चलिए बात करते हैं इस फ़ोन के मेन फीचर्स की। तो इसमें आपको 6.44 इंच की फुल HD प्लस वाली AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी। इसके साथ इसमें आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये डिस्प्ले 800 nits ब्राइटनेस के साथ आता है और इस प्राइस रेंज के हिसाब से आपको अच्छा डिस्प्ले देखने को मिलता है। आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं इस फ़ोन के कैमरे सेटअप की। तो इस फ़ोन के बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरे का स्लॉट देखने को मिलेगा, जहां पर 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर लगा हुआ है। इसके साथ 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल और 2 मेगापिक्सल का माक्रो कैमरा देखने को मिलता है। दोस्तों, यहाँ पर सेल्फी कैमरे की बात करें तो फ्रंट में आपको 44 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। दोस्तों, इस फ़ोन में आपको सेल्फी के साथ डुअल LED फ्लैश का ऑप्शन मिलेगा, तो अगर आप नाइट में सेल्फी क्लिक करते हो तो आपको ब्राइटनेस काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। ओवरऑल दोस्तों, यहाँ पर जो कैमरे की परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छी है, क्योंकि वीवो फ़ोन कैमरे पर बहुत ही अच्छा फोकस करता है। आगे चलते हैं, बात करते हैं इस फ़ोन के परफॉर्मेंस की, यानी कि प्रोसेसर की। तो इसमें आपको MediaTek Dimensity का 800U वाला चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि 7nm के साथ आता है। इसमें आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी, साथ ही ये फ़ोन 8GB रैम और 128GB इंटरनल मेमोरी के साथ आपको मिल जाएगा। इसके साथ यहाँ पर आप इसे एक्सपेंड कर सकते हो 1TB तक। इसके साथ इस फ़ोन के बैटरी की बात करें तो यहाँ पर आपको 4000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, साथ ही 33W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। दोस्तों, इस फ़ोन के ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत ही कमाल का कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। सेल्फी और फोटोग्राफी के लिए आप इस फोन को कंसीडर कर सकते हो, लेकिन इसके अलावा जो फीचर्स है जैसे कि डिस्प्ले, बैटरी बैकअप और फास्ट चार्जिंग और प्रोसेसर, ये जो है ये आपको ठीक ठाक देखने को मिलते हैं। वैसे इस टाइप के जो फीचर्स है वो आपको 20 से 25,000 रुपए के फोन में भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप अच्छे कैमरे वाला सेल्फी फोन लेना चाहते हो तो आप इस फोन को कंसीडर कर सकते हो। इसका प्राइस आपको 8GB प्लस 128GB के साथ 29,999 रुपए देखने को मिल जाएगा। इसे आप फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हो। तो दोस्तों, नंबर 4 पर है वन प्लस का वन प्लस नोट। दोस्तों, वन प्लस के फ़ोन काफ़ी महंगे होते हैं, लेकिन ये जो है वन प्लस का एक बजट सेगमेंट का फ़ोन है, जो कि एक फ्लैगशिप लेवल के फीचर्स के साथ आता है। इस फोन में आपको मिलेगा ऑन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, साथ ही यहाँ पर आपको मिलेगा एंड्रॉयड 10 का सपोर्ट। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फोन के मेन फीचर्स की। तो इसमें आपको 6.44 इंच की फुल HD प्लस वाली फ्लूइड AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, साथ ही यहाँ पर आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास वर्जन 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। तो इस फोन में आपको काफ़ी अच्छी डिस्प्ले देखने को मिलती है। आगे चलते दोस्तों, बात करते हैं इस फोन के कैमरे सेटअप की। तो इस फोन के बैक साइड में आपको क्वाड कैमरे का सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पर 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर लगा हुआ है। इसके साथ 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का माक्रो सेंसर देखने को मिल जाता है। सेल्फी कैमरे की बात करें तो फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। ओवरऑल दोस्तों, कैमरे की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी दी गई है। और दोस्तों, वन प्लस में आपको ऑक्सीजन OS मिलता है, जो कि कैमरे की परफॉर्मेंस को और ज़्यादा इन्हेंस कर देती है। आगे चलते हैं, बात करते हैं इस फ़ोन के परफॉर्मेंस की। तो इस फ़ोन में आपको मिलेगा क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 765G का प्रोसेसर। दोस्तों, ये जो प्रोसेसर है 7nm के साथ आता है और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी आपको। इसके साथ इस प्राइस रेंज में आपको 12GB का रैम देखने को मिलेगा, साथ ही 256GB की इंटरनल मेमोरी देखने को मिल जाती है, लेकिन इस फोन में आप एक्सपेंडेबल मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते हो। यहाँ पर बैटरी की बात करें तो इस फोन में आपको 4115mAh की बैटरी मिलेगी और साथ ही आपको 30W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है।
तो दोस्तों अगर आपको एक वन प्लस का फोन चाहिए प्रीमियम फीचर्स के साथ तो आप इस फोन को परचेज कर सकते हो। 5G फोन है ये और ये आपको मिलेगा 12GB प्लस 256GB के साथ 29,999 रुपये में अमेजोन से। तो दोस्तों नंबर 3 पर है Realme का Realme X7 Pro और ये भी एक 5G फोन है, इसमें भी आपको 5G का सपोर्ट देखने को मिलेगा। इसके साथ दोस्तों इसमें आपको मिलता है ऑन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, साथ ही यहाँ पर आपको मिलेगा Android 10 का सपोर्ट। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फोन के मेन फीचर्स की। तो इसमें आपको 6.55 इंच की फुल HD प्लस वाली सुपर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, साथ ही यहाँ पर आपको मिलेगा कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास वर्जन 5 का प्रोटेक्शन और यहाँ पर आपको मिलेगा 120Hz का रिफ्रेश रेट। तो देखा जाए तो इस फोन में आपको बहुत ही अच्छा डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि 1200 nits ब्राइटनेस के साथ आती है। आगे चलते हैं दोस्तों बात करते हैं इस फोन के कैमरे सेटअप की। तो इस फोन के बैक साइड में आपको क्वाड कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाएगा जहाँ पर 64MP का मेन कैमरा सेंसर लगा हुआ है। इसके साथ 8MP का वाइड एंगल, 2MP का माक्रो और 2MP का मोनो कैमरा सेंसर देखने को मिल जाता है। दोस्तों इस फोन के सेल्फी कैमरे की बात करें तो फ्रंट में आपको 32MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर जो कैमरे की परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी अच्छी दी गई है। आगे चलते दोस्तों बात करते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस की, यानी कि प्रोसेसर की। तो इसमें आपको MediaTek Dimensity का 100 प्लस वाला चिपसेट देखने को मिलेगा। दोस्तों ये जो प्रोसेसर है ये 7nm के साथ आता है और इसमें आपको बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। साथ ही ये जो फ़ोन है ये 8GB रैम और 128GB इंटरनल मेमोरी के साथ आपको मिल जाएगा। इसके साथ इसे आप एक्सपेंड नहीं कर सकते हो क्योंकि इसमें एक्सपेंडेबल मेमोरी का ऑप्शन नहीं है। दोस्तों यहाँ पर बैटरी की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 4500mAh की बैटरी, लेकिन यहाँ पर आपको मिलेगा 65W का सुपर डट फास्ट चार्जर जो कि आपके फ़ोन को लगभग 30 मिनट में फुल्ली चार्ज कर देगा। दोस्तों यहाँ पर इस फोन की ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें आपको बहुत ही कमाल का डिस्प्ले देखने को मिलेगा, बहुत ही कमाल का कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, बैटरी बैकअप और फास्ट चार्जिंग तो कमाल के है ही, साथ ही यहाँ पर जो प्रोसेसर है वो भी आपको बहुत ही तगड़ा देखने को मिलता है। ओवरऑल इस फोन में आपको बहुत ही अच्छे फीचर्स मिलते हैं। तो अगर आप इस फोन को परचेज करना चाहते हो तो 8GB प्लस 128GB के साथ इसे आप 29,800 या 29,900 रुपये में परचेज कर सकते हो अमेजोन से या फिर फ्लिपकार्ट से। तो दोस्तों नंबर 2 पर है Xiaomi का Mi 11X और ये भी एक 5G फ़ोन है, इसमें भी आपको 5G का सपोर्ट मिलेगा और ये फ़ोन भी जस्ट अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। दोस्तों इस फोन में आपको मिलेगा Android 11 का सपोर्ट, साथ ही इस फोन में आपको मिलेगा साइड माउंट वाला फिंगरप्रिंट सेंसर। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फोन के मेन फीचर्स की। तो इसमें आपको 6.67 इंच की फुल HD प्लस वाली AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलती है, साथ ही इसमें आपको मिलेगा कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास वर्जन 5 का प्रोटेक्शन और 120Hz का रिफ्रेश रेट। देखा जाए दोस्तों तो ये जो डिस्प्ले है 1300 nits ब्राइटनेस के साथ आती है और इसमें आपको बहुत ही अच्छे फीचर्स मिलते हैं। ओवरऑल काफ़ी अच्छा डिस्प्ले देखने को मिल जाता है इस फोन में। आगे चलते हैं बात करते हैं इस फोन के कैमरे सेटअप की। तो इस फोन के बैक साइड में आपको मिलेगा ट्रिपल कैमरे का स्लॉट जहां पर 48MP का मेन कैमरा सेंसर लगा हुआ है। इसके साथ 8MP का वाइड एंगल और 5MP का माक्रो कैमरा सेंसर देखने को मिलता है। और सेल्फी कैमरे की बात करें तो फ्रंट में आपको 20MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो इस फोन में आपको कैमरे की परफॉर्मेंस ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। आगे चलते हैं दोस्तों बात कर लेते हैं इस फोन के प्रोसेसर की। तो इस फोन में आपको बहुत ही कमाल का प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 870 वाला चिपसेट। दोस्तों ये प्रोसेसर 7nm के साथ आता है और इस फोन में आपको बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस मिल जाएगी। 870 बहुत ही तगड़ा प्रोसेसर है। इसके साथ स्टोरेज की बात करें तो इसमें आपको 6GB का रैम और 128GB की इंटरनल मेमोरी देखने को मिल जाएगी, इसमें आप एक्सपेंड नहीं कर सकते हो क्योंकि एक्सपेंडेबल मेमोरी का ऑप्शन नहीं है। बैटरी की बात करें तो यहाँ पर आपको 4520mAh की बैटरी मिलेगी, साथ ही यहाँ पर आपको 33W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। ओवरऑल दोस्तों ये जो फ़ोन है ये काफ़ी कमाल के प्रोसेसर के साथ आता है और परफॉर्मेंस के मामले में भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। ओवरऑल काफ़ी अच्छा फ़ोन है। तो अगर आप इस फोन को परचेज करना चाहते हो तो इसे आप 6GB प्लस 128GB के साथ 29,999 रुपये में परचेज कर सकते हो, लेकिन इसका एक दूसरा वेरियंट है जो भी आपको आसपास के प्राइस में मिल जाएगा जो कि 8GB प्लस 128GB के साथ आता है, इसे आप 31,000 से 32,000 रुपये के प्राइस में परचेज कर सकते हो अमेजोन से। तो फाइनली दोस्तों अब बात करेंगे हम इस सीरीज के नंबर 1 वाले फ़ोन के बारे में जो कि है वीवो का वीवो IQ7 और ये एक 5G फ़ोन है, हाल ही में लॉन्च हुआ है और इसमें आपको एक नया फीचर देखने को मिलता है डुअल चिप। एक चिप इस फोन के ओवरऑल परफॉर्मेंस को मैनेज करेगा और दूसरा जो है दोस्तों स्पेशली फॉर डिस्प्ले। दोस्तों ये फ़ोन एंड्रॉयड 11 के साथ आता है और इसमें आपको मिलेगा ऑन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस फोन के मेन फीचर्स की।
तो इसमें आपको 6.62 इंच की फुल एचडी प्लस वाली एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है। साथ ही यहाँ पर आपको मिलेगा 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। दोस्तों यहाँ पर डिस्प्ले की बात की जाए तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले की जो परफॉर्मेंस है बहुत ही तगड़ी मिलने वाली है, क्योंकि इस डिस्प्ले के लिए अलग से चिप देखने को मिलता है, यानी कि अलग से एक प्रोसेसर लगा हुआ है डिस्प्ले को इन्हेंस करने के लिए। ये जो डिस्प्ले है वो 1300 नीट्स ब्राइटनेस के साथ आती है। आगे चलते हैं, बात करते हैं इस फोन के कैमरे सेटअप की। तो इस फोन के बैक साइड में आपको मिलेगा ट्रिपल कैमरे का स्लॉट, जहां पर 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर लगा हुआ है। इसके साथ 13 मेगापिक्सल का वाइड एंगल और 2 मेगापिक्सल का मोनो कैमरा सेंसर देखने को मिल जाता है। सेल्फी कैमरे की बात करें तो फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। तो कैमरे की जो परफॉर्मेंस है इस फोन में भी काफ़ी ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस की, यानी कि प्रोसेसर की। तो इस फोन में आपको मिलेगा क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 870 वाला प्रोसेसर, जो कि पिछले वाले फोन में भी था। बहुत ही तगड़ा प्रोसेसर है, 7 nm के साथ आता है। इसके साथ यहाँ पर आपको मिलेगा 8 GB का रैम और 128 GB की इंटरनल मेमोरी। एक्सपेंडेबल मेमोरी का ऑप्शन इस फोन में नहीं है। बैटरी की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा 4400 mAh की बैटरी और 66 W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, जो कि दोस्तों आपके फ़ोन को लगभग 22 से 25 मिनट में फुल्ली चार्ज कर देगा। अब दोस्तों इस फोन के ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात कर लें तो यहाँ पर जो कैमरे की परफॉर्मेंस है वो ठीक ठाक देखने को मिलती है। बाकी सारी की सारी परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल की है। बेसिकली ये एक गेमिंग फ़ोन है, तो गेमिंग फ़ोन में आपको कैमरे पर ज़्यादा फोकस नहीं दिया जाता है, तो यहाँ पर जो प्रोसेसर है वो काफ़ी तगड़ा देखने को मिलता है। और दोस्तों ये जो फ़ोन है इसका स्टार्टिंग प्राइस है 31,990 रुपये, जो कि आपको 8 GB रैम प्लस 128 GB इंटरनल मेमोरी के साथ देखने को मिल जाएगा। तो इसे आप अमेजोन से परचेज कर सकते हो। तो दोस्तों ये हैं इस टाइम के सबसे बेस्ट और पावरफुल फ्लैगशिप लेवल के फ़ोन, जो कि आपको 30,000 रुपये के प्राइस में देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों इस फोन में आपको 5G का सपोर्ट मिलता है और फ्लैगशिप लेवल के फीचर्स मिलते हैं। अब कौन सा फ़ोन आपको लेना चाहिए, तो अगर आपको कैमरे वाला फ़ोन चाहिए तो नंबर 5 पे जो फ़ोन था सेल्फी के लिए वो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आप ज़्यादा गेमिंग करते हो तो नंबर 1 और नंबर 2 पे जो फ़ोन है वो आप ले सकते हो, वो काफ़ी अच्छे प्रोसेसर के साथ आता है। इसके अलावा दोस्तों जो नंबर 3 और नंबर 4 पे जो फ़ोन है वो आपको दोनों की परफॉर्मेंस को मिलाकर देखने को मिलता है, यानी कि कैमरे की परफॉर्मेंस और गेमिंग परफॉर्मेंस दोनों काफ़ी मिक्स है, तो उस फ़ोन को आप ले सकते हो अगर आपको कैमरा भी अच्छा चाहिए और प्रोसेसर यानी कि परफॉर्मेंस भी अच्छा चाहिए। तो यहाँ पर 3 टाइप के फ़ोन हैं, एक है सबसे बेस्ट कैमरा, दूसरा है सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस वाला गेमिंग फ़ोन, और तीसरा है दोस्तों दोनों को मिक्स करके जिसमें आपको अच्छा कैमरा अच्छा गेमिंग मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। और दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना, व्हाट्सएप पे जहाँ पे भी शेयर करना चाहते हो लाइक भी कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।